हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का MNG स्टूडियो पर। मैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के सवाल विद एक्सप्लेनेशन के साथ, तो इस चैनल पर जुड़ना मत भूलिए। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन के साथ तैयारी करवाई जाती है, तो इस चैनल पर जुड़ना मत भूलिए और अपनी मम्मी पापा का सपना पूरा करें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। भारत की अध्यक्षता में 3री G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह बैठक का आयोजन कहाँ होगा? इसका आंसर है कोलकाता में आयोजन होगा। सब्सक्राइब करने में आप लोग पता नहीं इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हो भाई। इतने महीने से हम आपके लिए बेस्ट कंटेंट इस चैनल द्वारा ला रहे हैं, वो भी फ्री में, तब भी आप सब्सक्राइब करने में इतनी कंजूसी कर रहे हो। आप लोगों को पता नहीं शायद कंटेंट बनाने में इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तो आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लोग समर्थन नहीं करोगे तो इतनी मेहनत से हम लोग कंटेंट आपके लिए ला रहे हैं, उसका क्या फ़ायदा होगा? तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए पॉइंट में समझते हैं। 18th नंबर की G20 2023 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। इसकी थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की फर्स्ट बैठक गुरुग्राम हरियाणा में हुई और सेकंड G20 की बैठक ऋषिकेश उत्तराखंड में हुई और थर्ड कोलकाता पश्चिम बंगाल में हो रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में कंबोडिया का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है हुन मानेट। आइए पॉइंट में समझते हैं। कंबोडिया की राजधानी नामपेन, कंबोडिया की मुद्रा कंबोडियन राइल, कंबोडिया एशिया खंड में आता है। मेकोंग नदी यहाँ पर बहने वाली प्रमुख जलधारा है। हुन सेन ने 38 ईयर्स तक PM रहे हैं। अब उनके बेटी की यानी कि हुन मानेट को नया PM नियुक्त किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कोरोना EG 5.1 या एरिस वेरिएंट का तेजी से प्रसार कहाँ हो रहा है? तो इसका आंसर है ब्रिटेन में। पॉइंट में समझते हैं। एमिक्रॉन परिवार से ये है कहा जा रहा है। एमिक्रॉन की शुरुआत फर्स्ट साउथ अफ्रीका में हुई थी। B.1.1.529 वेरियंट यानी ओमिक्रॉन भी कहा जाता है। ब्रिटेन की राजधानी लंडन है और ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग। ब्रिटेन में आधिकारिक भाषा इंग्लिश है। वहाँ पर रीजनल भाषा भी बोली जाती है जैसे कि स्कॉटिश, आयरिश और वहाँ के PM ऋषि सुनक। ब्रिटेन के राजा महाराजा चार्ल्स द्वितीय। ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र प्रणाली अपनाई गई है। ऊपरी सदन को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं जैसे कि हमारे यहाँ राज्यसभा। निचले सदन को हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं जैसे कि हमारे यहाँ लोकसभा। अक्सर लोगों को UK और ग्रेट ब्रिटेन में कन्फ्यूज होता है, तो आइए समझते हैं। UK यानी कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड का एक किंगडम का समूह है। इसको यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं। और ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड मिलकर ग्रेट ब्रिटेन बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर है? तो इसका आंसर है 7th स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी पर 2023 का अब तक का सबसे गर्म महीना कौन सा रहा है? इसका आंसर है जुलाई महीना सबसे गर्म रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत और सऊदी अरब की नौसेना के बीच हुए पासेक युद्ध अभ्यास में किस भारतीय जहाज ने भागीदारी की है? तो इसका आंसर है INS चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में खोजे गए मनुष्य की एक और वंशावली बनाने वाली खोपड़ी के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तो इसका आंसर है चीन। चीन में खोपड़ी के अवशेष पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्रालय ने उन्नत साइबर सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अपनाया है? ऑप्शन नंबर D माया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत सरकार ने किस क्षेत्र में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस मानक अनिवार्य की है? इसका आंसर है दवा निर्माण क्षेत्र में प्रैक्टिस मानक अनिवार्य की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एशिया और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप 2023 का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है भारत में पहली बार आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय नौसेना के किस देश के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर है UAE में आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चिकरी वुड क्राफ्ट और मुकश बुच्छी चावल को GI टैग मिला, ये कौन से केंद्र शासित प्रदेश से संबंध है? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 2023 विश्व शेर दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया गया है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव पारित किया है? तो इसका आंसर है केरलम रखने का प्रस्ताव पारित किया है। तेलंगाना सरकार ने आवास निर्माण के सहायता के लिए हाल ही में कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो इसका आंसर है गृहलक्ष्मी योजना प्रारंभ की है। दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर के सवाल। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैव अ नाइस डे।